नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज एट ए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 25, वॉट इज द प्राइस ऑफ 15 लीटर्स मिल्क। ठीक है, तो इसने सीधा सीधा बोल रखा है कि 1 kg है ना उस मिल्क का, उसका प्राइस कितना है 25, और आपको कितने का फाइंड करना है 15 लीटर का। ठीक है, 1 लीटर का ये प्राइस है 25 और आपको 15 का फाइंड करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ये चीज़ लगाकर कि 1 लीटर मिल्क इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसने किसे कितने का पूछा है। ठीक है, फिर आप ये चिन्ह लगाओगे, ये होता है बिकॉज, ये होता है सो। ठीक है, हिंदी में बताऊँ तो ये होता है चूंकि या क्योंकि, ये होता है इसलिए, हिंदी वाला ज़्यादा कम्फर्ट में। ठीक है, 15 लीटर का ये हमें पूछ रहा है, 15 लीटर मिल्क का प्राइस क्या होगा। तो मिल्क से बिल्कुल इजी वे में बताएगी, 1 का था 25, 15 का इसने हमसे पूछा है, हम 15 से करा देंगे इसमें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइए बिल्कुल इजी वे में करवाते हैं। ठीक, देखिए 15 का पढ़ा 5 बार, 15 × 5 = 75 का 5 कैरी कितनी हो गई 7। ठीक है, और ये 30 + 7 = 37, यही आपका राइट आंसर है। इसके पीछे आप ये चिन्ह लगा सकते हो रुपीज़ वाला। ठीक है, तो गाइज ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो चुका, मैंने कुछ भी नहीं किया है, 1 का बताकर ज़्यादा का पूछा था तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उत्तर कब आता है मल्टीप्लाई कराने पर ही तो आता है, और कम उत्तर कब आता है डिवाइड करने पर। आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 dozen eggs, टू डजन्स एग्स इज 1 rupees 192। 2 dozen का 192 रुपये लग रहा है। ठीक है, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ ईच एग इफ़ ए मैन बाय 7 eggs, फाइंड आउट वॉट अमाउंट ही हैज़ टू पे, उसने कितने रुपए पे किए। तो आराम से आ जाइए गाइज, आप देखिए इसने लिखा है 2 dozen, DOZEN S, 2 dozen मीन्स क्या होता है आप मुझे ये बताइए। 1 में 12 यानी कि 12 होता है, तो 2 में 24, 24 eggs का जो प्राइस है वो आप मुझे बता दीजिए कितना है, वो है 192। ठीक है, तो देखिए अब आगे 24 eggs का प्राइस है 192 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से मैं 1 का निकालूंगा, 1 egg इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाई 24, तो मेरा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 egg का वो आएगा। ठीक है, 14 × 7 = 14, 8 × 8 = 8 बार, ठीक है 8 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसने मुझे पूछा क्या है, वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच एग, प्रत्येक का मूल्य क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, प्रत्येक का मूल्य कितना है 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपीज़। देन ये नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ़ ए मैन, यदि कोई व्यक्ति 7 eggs, 7 अंडे खरीदता है तब उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 7 eggs, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो प्राइस ऑफ 7 eggs इज इक्वल्स टू, 1 का 8 और 7 का आपको निकालना है, 8 × 7, योर आंसर विल बी 56 रुपीज़। ठीक, तो ये हो चुका है गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ 25 kg ऑफ वीट इज ₹750, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ वीट एंड 15 kg ऑफ वीट। यहाँ पर देखिए गाइज, मैं कर रहा हूँ पहला। ठीक है, इसने मुझे कितने का 25 kg का प्राइस दिया ना, 25 kg इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, रुपीज़। देन मैं 1 का फाइंड आउट कर लूँ, 1 kg मैं यहाँ से निकालूंगा, तो 750/25। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 30 रुपीज़ आ जाएगा 1 का। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमें 5 kg का पूछ रहा है, सो हम करेंगे 5 kg इज इक्वल्स टू 30 × 5, आवर आंसर इज 150 रुपीज़। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको गाइज। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ, इसने पूछ रहा है 15 kg का। ठीक है, 15 kg, तो 15 kg का हम यहाँ से निकालेंगे, तो हमें अभी हमने देखा था 1 का कितना आया था 30, 30 को 15 से मल्टीप्लाई यानी कि 15 से 450, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना गाइज, तो समझ में आपके आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए राइस बैग वेविंग 100 kg, जिसे 1 क्विंटल बोलते हैं, इज
1725, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 7 kg राइस। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, 100 kg, ठीक है, का प्राइस कितना है, ये इतना है 1725, ठीक है। आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे 1 kg का, 1 kg का फाइंड आउट करोगे तो 100 से आप इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास में यहाँ पर आएगा 17.25, ठीक है रुपीज़। ये तो आपका आ चुका है 1 kg का, लेकिन इसने हमें 7 kg का पूछा है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 7 kg, ठीक है। तो करेंगे क्या, 17.25 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आराम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आ जाइए आराम से, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक। यहाँ पे 751 वहाँ से आ चुका है 17, ठीक है, 17 का टेबल बोल लेता हूँ, 17 की 17 से 1, 2, 17 सती 119 और एक वो हो गया 120, ठीक है गाइस। ये आपका यहाँ से राइट आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताया है, ठीक है। तो समझ में आपको आ चुका होगा। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, माया बोट 12 meters ऑफ क्लोथ फॉर रुपीज़ 840 रुपीज़ में इसने 12 meter कपड़ा खरीदा है, व्हाट डिड ही पे फॉर 15 meter ऑफ क्लोथ, ठीक है। जब इसने ये, आप यहाँ पे लिखिए 12 meters, METRES, कितने रुपये पे कर रही है, 840, ठीक है। यहाँ से आप 1 meter का फाइंड आउट कर लो, 1 meter इज इक्वल्स टू 840 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका जो आंसर है ना वो 1270 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक का प्राइस है, लेकिन हमें 15 मीटर का याद करना है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखो 15, METRES, 15 मीटर्स का हमें करना है, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 6 90, 15 7 105, 1050 रुपीज़ विल बी योर राइट आंसर, 1050 रुपीज़, ठीक है, हिंदी में मैनेज करना, ठीक। आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 15 dozen मैंगोज इज 150, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 dozen ऑफ मैंगोज। डजन में चल रहा है, इसलिए हम डजन में ही रखेंगे। तो आप बताएं मुझे 15 dozen किसके इक्वल है 150 रुपीज़ के, ठीक है। मैं यहाँ से एक डजन निकाल लूँ पहले, डजन, ठीक है, एक डजन निकाली 15 से डिवाइड, 150 डिवाइडेड बाई 15, तो हमारा यहाँ से 10 आ रहा है, ठीक है। अभी कितने डजन का पूछ रहा है, 25 dozen, तो DOZENS डजन, ठीक है। तो हमारा एक का 10 है, 25 का इसने पूछा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपीज़ विल बी योर राइट आंसर, ठीक। तो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर, प्रिया बोट 25 flowers फॉर 325, ठीक है। तो प्रिया का हम निकाल लेते हैं कि क्या कुछ क्या, फाइंड आउट हु पेड मोर मनी एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा रुपए पे किए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रिया बोट 25 flowers फॉर रुपीज़ 325, 325 रुपये उसने 25 flowers खरीदे। हर ब्रदर रोहन बोट 18 flowers फ्रॉम द सेम शॉप, ठीक है, तो उतने रुपये में उसने 18 flowers खरीद लिए हैं। हाउ मच डिड ही पे, उसने कितना पे किया, एंड हु पेयर मोर मनी एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा पे किया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आ जाइए आप, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रिया ने कितना पे किया, PRIY प्रिया ने पे किया 325, ठीक है। तो भाई भाई एक बात बताए मुझे, 25 जो फ्लावर था, फ्लावर्स उसका प्राइस कितना था, 325। यदि मैं यहाँ से 1 flower का निकालूँ, तो 1 flower का मैं यहाँ से निकालूँगा ना, तो भाई 4, 12 और 1, 13 आ जाएगा शायद, 13, ठीक है, क्योंकि 325 डिवाइडेड बाई 25, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 13 आ चुका ना। अब आगे देखिए, अब क्या करने वाले हैं हम, रोहन बोट 18 flowers, रोहन ने कितने फ्लावर लिए हैं, रोहन 18 flower, ठीक है। तो रोहन ने 18 flower परचेज किए या फिर बाय किए हैं, ठीक है ना। तो रोहन के 18 flower फ्रॉम द सेम शॉप, थोड़ा तो गाइज यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, इसने 18 flower लिए, 1 के 13 रुपये लग रहे थे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 13 × 13 = 3 हासिल कितनी, 1 × 13 = 104 और 1 = 105, ये कहीं से हो रहा है, ठीक है। थोड़ा और मैनेज देखते हैं कि क्या हो रहा है, 18 × 13, ठीक है। वो यार मैं शायद गलत कर रहा हूँ,
चलो आराम से करते हैं इसको। 18 3 54 का 4 हासिल कितनी आ चुकी है आपकी, 5। 18 और 5 कितने होते हैं, 23। 2 3 4। अब आप मुझे बताइए, इसने पे किए थे 3 2 5, ये पे कर रहा है 2 3 4, ठीक है, तो कौन ज़्यादा पे कर रहा है आप मुझे ये बताइए। तो प्रिया ज़्यादा पे कर रही है, PRIAY है प्रिया, ठीक है, किस से, रोहन से ज़्यादा पे कर रही है। और कितना ज़्यादा पे कर रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 2 5 -2 35, तो ये यहाँ पर ज़्यादा पे कर रही है वो आपको साफ साफ पता चल रहा है, 89 ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है। घटा कर आप आराम से देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ से 91 ज़्यादा पे कर रही है, 91 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीच में मिस्टेक हो रही है यार, क्योंकि मैं सीधा इनको माइंड वे करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि लिख के सोल्व करूँ, ठीक है, तो माइंड वे कर दिया, 91 आपका यहाँ से आंसर हो चुका है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 22 ट्रक्स कंज्यूम्ड पेट्रोल ऑफ वर्थ ऑफ इतने, ठीक है, तो 22 ट्रक्स ने कितने रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया है, 8800 8800, ठीक है, तो मैं बोल दूँ कि एक ट्रक कितने का काम कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे 22 का भाग 4 400, ठीक है, 400 रुपए का तेल पेट्रोल यह कंज्यूम कर देता है। अब इसने कितने को पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ पेट्रोल विल बी कंज्यूम्ड बाई 5 ट्रक्स, तो 5 ट्रक्स कितना कंज्यूम्ड करेंगे, तो 5 × 400, ठीक है, तो हमारा आंसर है वो गाइज हो जाएगा 2000 रुपीज, ये हमारा राइट आंसर है, इतने वर्थ का वो पेट्रोल लगा देंगे, कंज्यूम कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो इसे भी आप देख लीजिए, समझ में आपके बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, माधुरी बोट 55 kg राइस इतने रुपीज में, 55 kg बराबर 2200, ठीक है, देन आप फाइंड आउट कर लो 1 kg का फाइंड आउट करोगे 440 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 55 से इसको डिवाइड करोगे तो 40 रुपीज़ यहाँ पर आप खा दो। इसने हमें कितने को फाइंड था कॉस्ट ऑफ 11 kg, 11 kg का हमें निकालना है 11 kg, तो 11 × 40, ठीक है, तो हमारा आंसर है वो 440 ये हो जाएगा, ठीक है, 440 विल बी आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी पूरी, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।